हाय गाइस, दही में ये चीज मिलाकर लगा लीजिए, आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल गोरी और साथ में आपकी स्किन में अलग सा ही निखार आ जाएगा। आप किसी के सामने भी बिना मेकअप के इजीली बात कर सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगी और आप बिल्कुल न्यूड फेस जैसे मेरा है, आप किसी के सामने भी प्रेजेंट हो सकेंगे, हमेशा आपको मेकअप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने भी कोई मेकअप नहीं करा है, तो मेरा ये नो मेकअप चैलेंज है, मतलब आपकी स्किन इतनी ऐसी हो जाएगी कि लगेगा लोगों को कि आपकी स्किन पर अभी भी कोई ना कोई कॉम्पैक्ट है, कुछ अप्लाई करा हुआ है। स्वेटिंग जरूर हो रही है, दिख रही होगी, मैं भी आपको मेरी आईज के नीचे एरिया में टी जोन पे बहुत स्वेट हो रहा है मेरे, और बाकी लिपस्टिक मैंने अप्लाई करी है वो भी बहुत स्लाइटली सी, अदरवाइज मेरी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन है। बहुत टाइम से आप लोग कमेंट करते थे, ईशा आप कुछ तो बताओ ऐसा कि हम रात में क्या इस्तेमाल करें, हमारी स्किन पे ग्लो आ जाए, कोई नाइट क्रीम बताओ, बहुत सारी मेल्स आती थी। तो बहुत सारी मेल्स में से रजनी है पटना से, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मुझे लगा कि उनके कहने पर वीडियो बनाना चाहिए डेफिनेटली, और भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था बट पर्टिकुलर मैंने उनका नेम सेलेक्ट करा है। ऐसे नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग भी मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो मैं आपके नेम से ही वीडियो शूट करूंगी। और मेरी स्किन पे क्या इफेक्ट रहा, चलिए देखते हैं। दो दिन से अप्लाई कर रही हूँ इस नाइट क्रीम को और उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों से रिजल्ट शेयर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 डेज, मैं ये नहीं कह रही मैंने 15 दिन से यूज करा है, महीनों से यूज करा है, सिर्फ 2 दिन हुए मुझे इस्तेमाल करते और 2 दिन में मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है ना, मेरे पूरे बॉडी की, सीरियसली मैं फेस पे नहीं बल्कि पूरी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ इसको। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर जमकर कर देना। तो चलिए एंजॉय करते हैं फटाफट वाली रेमेडी और इफेक्टिव रेमेडी। इसके लिए हमें खाली बाउल लेना है, खाली बाउल में मैं डालूंगी 1 चम्मच दही, बिल्कुल खट्टा हो चुका है वेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो खट्टा दही खाने में नहीं इस्तेमाल कर सकते लेकिन लगा लो, जमकर लगा लो अपने शरीर पर। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, इसमें से सिंगल कैप्सूल मैं निकाल लूंगी, इसको मैंने होल्ड कर लिया है विटामिन ई के कैप्सूल में, इसका जेल ऐड कर देंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गाइज, आपकी स्किन पे कितना भी कोई भी मेकअप ना भी हो फिर भी अपनी स्किन को रोज वाटर या आप एलोवेरा जेल से क्लीन कर सकते हैं। मोस्टली मैं कभी भी मेकअप रिमूवर यूज नहीं करते, लिपस्टिक्स के लिए यूज करती हूँ बिकॉज थोड़ी सी वो मैट होती हैं और स्टे वाली होती हैं तो उसके लिए यूज करती हूँ, बाकी वैसे मोस्टली मैं विदाउट मेकअप ही रहना पसंद करती हूँ। अगर आप आईज में भी ज्यादा आईलाइनर वगैरह यूज करते हैं तो भी वो आपकी आईज जल्दी वीक होती हैं और डार्क सर्कल्स होते हैं, तो बस इससे हमें क्या करनी है, मसाज क्लीन करने के बाद ही आपको यूज़ करना है बहुत ही खट्टा दही, हल्की हल्की आपको इचिंग होगी अपने फेस पे, स्लाइटली से आपको इचिंग होगी, इसको लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी वो होगी क्योंकि आपके पिगमेंटेशन को कट करेगा, आपके जितना भी सनबर्न हो चुका है उसको कट करेगा, आपकी जो एक्नी के मार्क्स हैं, झाइयों के मार्क्स हैं वो सारे रिड्यूस करेगा, इनफैक्ट आपके स्किन के पोर्स में जाके बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, मतलब आपकी स्किन की जितनी भी डेड लेयर है ना उसको हटा के आपकी स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आएगा। इस तरह से अपने आंखों के नीचे मसाज करिए, इससे आपके डार्क सर्कल भी खत्म होंगे क्योंकि विटामिन ई आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके डार्क सर्कल को, आपके आई पफिनेस को, आपकी जो आंखें धस जाती है ना टेंशन से, स्ट्रेस से, वो भी ठीक कर देता है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसाज करिए अपवर्ड पोजिशन में, ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है फेस का और आपका रंग भी निखरता है। 10-15 मिनट तक मसाज करिए, देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, लगा रहने दीजिए फेस पे, कोई भी काम कर लीजिए अपना, देन दैट्स इट। आप आराम से चिट चैट करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, बस धूप में मत जाओ, रात के टाइम लगाओ तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। हफ्ते में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है, पहले अपना फेस वॉश करना है, क्लींस करना है, देन उसके बाद आपको ये मैजिक वाला DIY क्रीम लगाना है। इसको लगा के ना सो जाओ, पिलो पे एक कपड़ा बिछा लो ताकि पिलो कवर खराब ना हो, एक्स्ट्रा पुराना सा कोई भी। आपके चेहरे पे जो रिजल्ट आएगा ना उसे शेयर करना मत भूलना, मैं अपने फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप मेरे फेस का ग्लो खुद ही देख सकते हो, ये टी जोन, अगर आई डोंट नो मेरा कैमरा इतना कैच कर पा रहा है, मैं चाहती हूँ मेरा लाइव रिजल्ट देखे लोग कि एक्चुअल आपके स्किन पे कितना जबरदस्त ग्लो आता है, तो आप देख सकते हो। लगाने के बाद जरूर कमेंट करना, ये देखो ये मेरा एरिया चिक वाला जहाँ पे हम स्पेशली अपना वो लगाते रहते हैं ना हाइलाइटर, और ये वाला एरिया बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। तो बस फटाफट से देरी की बात किया, वीडियो एंड करो और अपने किचन में घुसो, रेमेडी लगाओ।